और अभी हमारे घर में खाना बन रहा है, आज मैं पनीर बनाऊंगा। और देखो हमारे यहाँ पे कैसे बात होती है। मम्मी दीदी भाभी भाई ऐसे तो ही खाना बनता है। देखो ये देखो रोटियां बन रही है। और आज हम बनाने वाले हैं काजू की करी। काजू करी नहीं, काजू पनीर। क्या बोलते हैं इसे, मैं नाम ही नहीं आ रहा। काजू की ग्रेवी पनीर। और ये आ गई हमारी काजू की ग्रेवी। हाँ तो हाँ तो हाँ तो यप्पा। वो एक रील आती ना, अंडा नहीं तहर का अंडा होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए। पनीर भी कुछ बनाऊंगा। रेड जबान देखो 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 देखो, डरा रहा है, हमला कर रहा है और चिपका हुआ है। ये टेक्निक पूरा, इसकी देखो पूरा खा गया मन्नू पेड़। ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, देख ले पूरे पत्ते खा गया। कल से मैं चेक करूंगा। ये देख कैसा बड़ा कीड़ा है मन्नू। है इसका बच्चा तो यही रह गया। बच्चा वो बच्चा भी गया इसका। ये देख इसने यहाँ अंडे भी दे दिए। देख इस पेड़ पे पूरे पेड़ को खा गया यार। और गाइस कर रहे थे तुम लोग, गाइस गाइस करता रहता। इनको बचाना होगा, पत्ते ही तोड़ ले उसका। ये देख कैसा कीड़ा है। और कल हम गए थे कैंपिंग करने, इतना मजा आया वहाँ पे। लोग आपने देखे होंगे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैंपिंग हमने की होगी अभी तक की। हम वैसे की दो ही है, एक तो दूधिया तलाई वाली, अगर आपने नहीं देखी तो उसमें बहुत मजा आया था। साइड में फोटो आ रहा होगा या थंबनेल आ रहा होगा मेरा, ये इस टाइप का था कुछ हमारा। पिछले साल नहीं, 2-3 साल हो गए शायद उस बात। तो वो हमने लास्ट कैंपिंग की थी और ये एक और की इस साल। बेटा ये थोड़े दिन बाद तो होली है, डांस करेंगे। कैसे गाते हैं होली का गाना? होली खेल रहे गाओ ना। होली खेल रहे बाते बिहारी, आज रंग बरस रहा। थोड़े दिन में होली आने वाली है और उसके बाद आएगी बुआ, तुम्हारी बुआ आएगी और गुड्डू दीदी और गोलू भैया भी आ जाएंगे। फिर हमारे घर में 5 बंदर हो जाएंगे छोटे मोटे। वो मिलके आतंक मचा देंगे। क्या आतंक मचा दोगे ना? सबसे बड़ी दीदी, फिर गोलू भैया, फिर पोंटी भैया, फिर मन्नू भैया, फिर चीकू भैया, सारे भैया हो तुम छोटे मोटे। और चाचा का भी होगा भैया। हैं क्या कह रहा? आपका भी होगा नहीं भैया? एक और भैया। हाँ टाइम है यार अभी यार, बहुत सारा। ए मनु आपको क्या चाहिए? भैया चाहिए, दीदी चाहिए? हैं भैया तेज बोलो ना यार। भैया क्यों गैंग बनाएंगे हम? क्या करेगा? गैंग बनाओगे लड़की लड़कों की? क्या दूंचा बनाओगे क्या लोगों का? मोहल्ले में राज करोगे तुम? मतलब नहीं तो फिर एक गैंग बनाएंगे। तो तू क्या सोचता है क्या होगा? दीदी होगी भैया होगा? भैया फिर से भैया चाहिए? दीदी नहीं चाहिए? नहीं क्यों? हम ना एक दूसरे की राखी बांधेंगे। अबे पागल यार, लड़के थोड़ी बांधते राखी एक दूसरे के। मैं तो बांधूंगा। तो पागल है। मन्नु को क्या चाहिए? दीदी चाहिए, भैया चाहिए? हैं बच्चू? हैं क्या सर मारा है? भैया चाहिए आपको भी? हाँ। दीदी नहीं पसंद है क्या? अरे यार ये औलादे। दीदी चाहिए मुझे तो, पर एक लड़की तो होनी चाहिए यार घर में, है ना? देख दीदी होगी ना यार, फिर आप राखी कौन बांधेगी? और मैं क्या बताता, हाँ ब्लॉग में बताता मैं कैंपिंग की, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। करीबन 2 दिन रुके हम, शनिवार की रात को रुके थे, रविवार को हम वापस रिटर्न हो गए थे। और मुझे जयपुर जाना था उसके बाद, पर हम जयपुर जा नहीं पाए किसी रीज़न से।
क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गए थे वहाँ बोटिंग वगैरह करने में। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ही हो रही है कि मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा जो माइक वाला जो सीन है जिसके थ्रू ऑडियो रिकॉर्ड होती है, उसका जो एडेप्टर था वो एक्सीडेंट में मेरा गिर गया था पता नहीं कहाँ, और वो अकेला 5,000 का आता, मेरे मन नहीं हो रहा उसको लाने का। और अगर उसको लाऊंगा नहीं तो मेरे मोटो ब्लॉग बनेगी नहीं। जैसे कि अपने लास्ट कैंपिंग वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने बाइक चलते हुए कोई बात नहीं की, बस क्या तो साउंड बजाए पीछे कोई गाना वगैरह बजाए या डायरेक्ट हम उस लोकेशन में पहुंच गए। पर अगर मैं नहीं लाऊंगा तो मुझे हर बार बाइक चलाते वक्त साउंड डालना पड़ेगा, जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि साउंड सिलेक्शन एक सबसे बड़ा और सबसे पकाऊ कह सकते हो एक चीज़ है एडिटिंग के अंदर। क्योंकि अगर वो सही से नहीं बैठा तो आपका व्लॉग पूरा बेकार सा लगेगा, और वो सही बैठ गया तो व्लॉग का अलग ही मजा आ जाता है। तो वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कोई साउंड सेलेक्ट करना, क्योंकि साउंड वैसे बहुत कम होते हैं और अगर मैं इधर उधर से लूँ तो कॉपीराइट आ जाता है, तो वो सारा सीन है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये सेल हो जाए मेरा डीजे है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर मैं उसके बाद में लाऊंगा गोप्रो, उसका पूरा सेटअप बना के फिर उससे करेंगे मोटो व्लॉगिंग। नहीं हुआ तो फिर मैं 4-5 हज़ार का जो आता वो ला करके उससे जैसे मैं पहले करता आया था वैसे करूँगा। चलते यार अंदर चलते हैं, अब थोड़ा सा तैयार वगैरह भी होंगे ऑफिस के लिए और एडिटिंग भी करनी है सबसे बड़ी बात। अभी मेरा डे टू पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे कैंपिंग का, उसको एडिटिंग करूँगा आज, उसके बाद ऑफिस जाएंगे, उसके बाद आ करके फिर मैं कुछ करूँगा काटा कूटा। मेरा आज कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है पटांग सा। 8 hours later और जस्ट अभी मैं ऑफिस से आ गया और आते देखो दोनों के दोनों भाई साइकिल चलाने में बिजी हो रहे हैं मस्त बांध की तरफ बैठा हुआ है ये आजा तू भी आजा आजा मनचिड़ी, धीरे चला धीरे चला धीरे चला। वो देखो अलग ही पीछे बिठा के सवारी घुमा रहा है। हाँ बोलो तुम कुछ धीरे। सब्जी पूछ रहे थे क्या बनाओ यार। सब्जी ऐसी कुछ बना दो तहलका जैसी। पनीर की सब्जी बना लेते हैं। काजू वाली बनाएंगे। और अभी हमारे घर में खाना बन रहा है, आज मैं पनीर बनाऊंगा। और देखो हमारे यहाँ पे कैसे बात होती है मम्मी दीदी भाभी भाई ऐसे तो ही खाना बनता है। ये देखो रोटियां बन रही है तरीके देखो इनके तरीके और आज हम बनाने वाले हैं काजू की करी। नहीं काजू करी नहीं काजू पनीर काजू। क्या बोलते हैं इसे, मेरे नाम नहीं आ रहा। काजू की ग्रेवी पनीर ग्रेवी वाली काजू वाली पनीर ऐसे बोल दो। काजू ग्रेवी बनाते हैं ना। अरे नाम ही नहीं आ रहा कैसे होगी। रुको पनीर विद काजू करी। अरे मैं पागल हो गई। अरे याद हो गई। मतलब कुल मिला के पनीर बना रहे हैं जिसमें काजू की ग्रेवी डालने वाले। नाम ही नहीं आ रहा। शाही काजू पनीर। हाँ इसको ये मान लो। हाँ ठीक है, मतलब कुल मिला के काजू वाली पनीर बना रहे हैं। तो इधर में लिया है पनीर खूब सारा। इधर ये हमारे काजू मैंने तैयार कर लिए, एक बॉइल कर लिया, एक सादा रखा है गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालने के लिए। इधर ये अदरक, अदरक बहुत कम है तो बहुत सारा चाहिए। और इसमें 3 टमाटर की हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो कुल मिला के आज हमारा भाई बनाएगा काजू करी। तो तैयारी चालू करते हैं। ले आओ तेल वेल एकदम। राहुल द शेफ तावर तोड़ बनाने वाला एकदम। अरे यार तो तोड़ा भी नहीं क्या। ये डल गया हमारे मसाले। ये डालने वाला डाल दूँ रे। डाल चल तुम डाल दो। जल्दी मत देना बस। लो जल लगे तो क्या काम। वो एक रील आती ना अंडा नहीं तहल का अंडा होगा मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए। पनीर नहीं पनीर बनाऊंगा इसकी आँच कम कर दो। डालो नमक डालो इसमें बस वो थे ना। आज अंडा नहीं तहल का अंडा बना दूंगा वैसे। आज पनीर नहीं तहल का पनीर बनने वाली है। खुशबू आ रही बहुत सेक्सी। डालो डालो पानी डालो बस ज्यादा नहीं बस 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा। जान दो टमाटर भी जान दो बस।
चलो तो। और ये आ गई हमारी काजू की ग्रेवी। हाँ तो हाँ तो अब बन रहा माहौल। अब आना चाहिए था जोरदार कलर, ऑरेंज ऑरेंज जैसा। बस बहुत है। अगर ये मैं सब्जी बाहर से लाता ना तो मुझे 140 या 250 की मान लो 250 की पड़ती। और ये मैं आइटम बता कितने के लाया हूँ, 400 रुपये के। क्या मजा आ गया। और ये मैंने डाल दी सब पनीर, देखो मस्त कलर तो आ गया वैसे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो, और थोड़ा सा धनिया, और मामा मिया एक नंबर बनी की सब्जी यार। इनको देखते हैं बंदर क्या कर रहे हैं। देखा पता बंटी एक चीज बताऊं तुम्हें, मैं अभी वहां दुकान पे गया था ना, शॉप वाला जिससे अपन सामान लाते, जिससे हम अक्सर सामान लाते हैं ना, पता क्या बोल रहा था मैं, यार आपके ब्लॉग देखे यार, आप ब्लॉग बनाते हो क्या? बबन ब्लॉग बनाते हैं, वो भी देखता है सब्जी जिससे हम ग्रोसरी वगैरह लाते हैं ना, उसने पता नहीं कहाँ से उसको रिकमेंड हो गया हमारा शायद ब्लॉग वगैरह, तो वो तो पिट्ठू खाकर छुपे से देखते था। तो जहाँ से अपन एक दिन बिस्किट लाए थे वो करता यार, तुम्हारे ब्लॉग देखे मैंने यार। फेमस हो रहा तो यार, क्या बात है। और मेरी पनीर ऑलमोस्ट बन गई तो मैं बाहर आ गया। अब आटा वाटा लग रहा, रोटी वोटी खाएंगे, मैं दिखाऊंगा फाइनल रिजल्ट एकदम शानदार। और ये बन गई हमारी पनीर की सब्जी। और ये हो गई साहब अपना थाली कंप्लीट। चलो आ जाओ, तीन तीन से खिलाऊंगा, चक्के देखने थे पहले, चक लूं मैं। बहुत ज्यादा टेस्टी भाई, मजाक ना, बहुत ज्यादा टेस्टी बन गई, बहुत टेस्टी है ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मतलब इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने बनाई है, बट रियली बहुत टेस्टी बनी है। इसका जो फ्लेवर है ना नेक्स्ट लेवल आ रहा है। पोंटी खा के बताना किसी बनिए ना बेटे। बस बनिए ना, पनीर लेके देख, पनीर को खा, स्वाद है ना, चाचा ने बनाई है बेटा।